ॐ नमः सिद्धे ॐ नमः सिद्धे ॐ नमः सिद्धे ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छावसाहुवम् सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयरिय उवच्छाय साहुगणे वन्दिय सम्मद्दंसन चरितलब्धिं परुवे मो सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से जो संस्कृत टीका बनी थी उसके आधार से पंडित डोरामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ढूंढारी भाषा में उसकी भाषा टीका लिखी है और उसी का हम हिंदी अनुवाद यहाँ देख रहे हैं। क्षपणासार संबंधी अपना विषय चल रहा है। हमने देखा था कि अपगत वेद होने पर पहले ही समय से जो पहला अनुभाग कांडघात शुरू हो जाता है वहाँ से अश्वकर्ण क्रिया प्रारंभ होती है। अनुभाग का तो घटना कांडघात पूरा होने पर होगा, तब क्रोध से लोभ तक अनंत गुणाहीन पद्धति से स्पर्धक रचना हो जाएगी। उसी समय से अपूर्व स्पर्धक रचना का भी प्रारंभ हो जाता है पहले ही समय से, और प्रति समय अनंत अनंत अपूर्व स्पर्धक बनते हैं। ऊपर के पूर्व स्पर्धकों में तो बड़े बड़े कांडघात होते ही चले जाते हैं, पूर्व स्पर्धक उसका घात होकर नीचे अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती चली जाती है। ऐसे अंतर्मुहूर्त तक ऊपर से कांडघात भी हो रहे, अनुभाग कांडघात, और नीचे अपूर्व स्पर्धकों की रचना भी हो रही है। नीचे जो जघन्य स्पर्धक के नीचे जो स्पर्धक बनते हैं उसको यहाँ अपूर्व स्पर्धक कहा है। उसका अनुभाग अनंत गुणा हीन 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 है। अपूर्व स्पर्धक में क्रोध में कम बनते हैं और लोभ में सर्वाधिक बनते हैं, यानी लोभ का अनुभाग सर्वाधिक घट गया है। अपूर्व स्पर्धक के बाद क्या यहाँ होने वाली बात है, तो कृष्टि करने का कार्य होता है, यानी वहाँ पूर्व स्पर्धकों का तो घात होता गया है, अभी वो अपूर्व स्पर्धकों का भी घात होते होते यहाँ उसके भी नीचे अत्यंत हीन अनुभाग वाले ऐसी जो कुछ परमाणु की अवस्था हो जाती है उसको कहेंगे कृष्टि हो जाती है। पहले तो स्पर्धक थे और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणाएँ थी। वर्गणा और कृष्टि में क्या अंतर है, तो वर्गणा में प्रति वर्गणा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की नीचे से ऊपर देखेंगे तो वृद्धि थी, अब यहाँ कृष्टि में एक कृष्टि से दूसरी एक कृष्टि भी अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद वाली होती है, इतना डिफरेंस है। यानी ऊपर से मान लेते अनंत कृष्टियाँ बनी तो ऊपर से नीचे जाओ तो अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन इतनी कृष्टि एक समय में बनी, दूसरे समय में उसके भी नीचे और जघन्य अनुभाग वाली बनी, तीसरे समय में और बनी, इस तरह से एक अंतर्मूर्त द्वारा ये सारे जो पूर्व अपूर्व उनका यानी वो अपूर्व स्पर्धक रूप से नष्ट होकर उसकी कृष्टि बनेगी। यानी अभी क्रोध में भी मान में भी माया भी पोजिशन आ गई, सभी कृष्टि रूप हो गए, इसको कहेंगे बादर कृष्टि। आपका इस प्रश्न इस संबंधी एक प्रश्न था, ये कृष्टि संबंधी के अपवेद यानी अपगत वेद करण पछी अश्वकर्ण करण अपूर्व स्पर्धक करण अने कृष्टिकरण दरमियान कषाय में संक्रमण शू अटकी जाए छे। हाँ, क्योंकि अभी क्रोध का संक्रमण उसका नष्ट होना अभी नहीं होगा, अभी तो क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले की बात हो रही है। क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाला जीव पहले अश्वकर्ण करेगा, अपूर्व स्पर्धक करेगा, कृष्टि करेगा, और कृष्टि करने के बाद क्रम से
क्रोध को, फिर मान को, माया को, फिर लोभ को उसकी क्षपना करेगा। उसकी भी बात हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, देखो इसमें से मैं बताऊंगी आपको। दूसरा एक प्रश्न था, उपशम श्रेणी में तो संज्वलन क्रोध मान माया ना उपशम पछी कृष्टिकरण थाय चे, उपशम के बाद उसमें कुछ नहीं होता है। उपशम करने एक बार लोभ में, मात्र लोभ में एक बार एक बाजू उपशम करण भी चल रहा है, और उसमें से जो कुछ अभी उपशमित नहीं हुए हैं उन परमाणुओं का कृष्टिकरण हुआ था, और वो भी अकेले बादर लोभ में। कुछ परमाणु बादर लोभ से ही उपशमित हुए उसी प्रकार से, और कुछ का जो सूक्ष्म कृष्टि रूप हुआ था जिसका उदय दसवें में आने वाला है। उपशम होने के पीछे उसके पश्चात उसमें कोई करण नहीं होता, ना बंध होता, ना संक्रमण, ना अपकर्षण, ना उत्कर्षण, कुछ नहीं होता, इसीलिए उसको उपशम कहा था। उपशम में, उपशम श्रेणी में सभी प्रोसेसेस अलग है और यहाँ सभी अलग है। यहाँ तो अनुभाग इतना घट गया है, इतना घटकर अभी वो अन्य रूप होकर जो संक्रमण होकर नष्ट होने वाला है। तो पछी क्षपक श्रेणी में अंतर के, क्योंकि क्षपक श्रेणी की विशुद्धि जुदी जात की है, वहाँ अलग कार्य होता है, इसलिए यहाँ ये बातें अलग पद्धति से होती है। हम तो इस संबंधी प्रश्न की बात देखेंगे, फिर बाद में अन्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ऐसा है कि नपुसक वेद की क्षपणा के काल में प्रति समय पुरुष वेद के असंख्यात गुणा प्रदेशों का उदय होता है। हमने देखा था कि जितना बंद होता है उससे उदय असंख्यात गुणा, उससे संक्रमण होने वाले नपुसक वेद से वो असंख्यात गुणा होते हैं। तो प्रदेश यानी परमाणु असंख्यात गुणा उदय में आ रहे हैं, तो उसके जीव के परिणामों में क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परमाणु अधिक उदय में आ रहे हैं ना, परंतु वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहे हैं। हमने देखा था ना ये बात, पुरुष वेद का उदय भले हो परंतु प्रति समय उदय कैसे चल रहा है, पहले उदय से भी अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहे हैं। अधिक मात्रा में कर्म तो जा रहा है परंतु उसका अनुभव अत्यंत हीन हो रहा है। प्रदेश अपेक्षा ज़्यादा है वो तो अच्छा है ना, जीव के लिए फेवरेबल है। जीव के साथ जो निमित्त बनता है वो अनुभाग उदय का बनता है, प्रदेश उदय से कुछ नहीं है। प्रदेश उदय का महत्व इतना है कि जीव में से वो परमाणु निकल जा रहे हैं। हम तो ऐसे देखे दे, अभी अविपाक और सविपाक में उसमें भी क्या होता है, वो तो अन्य रूप से उदय में आता है, और यहाँ तो परमाणु को तो निकल जाना ही है, अधिक मात्रा में गए और कम अनुभाग में गए। यही बात हमने उपशम श्रेणी के स्टार्टिंग में देखी थी, उपशम सम्यक के श्रेणी के नहीं, प्रथम उपशम सम्यक तो होता है, तब मिथ्यात्व के परमाणु असंख्यात गुणा निर्जरा चालू होती है, अभी सम्यक तो होने के पहले ही मिथ्यात्व का प्रदेश उदय अधिक बढ़ रहा है। तो क्या अधिक मिथ्यात्व होता है जीव को? वहाँ तो अनंत गुणा उसमें हीनता हो रही है, ख्याल में ना, अनुभाग अनंत गुणा घटकर उदय में आता है और प्रदेश अधिक निकल जाते हैं, ये तो बहुत फेवरेबल बात है जीव के लिए। हमारे जैसे कहते हैं कि योग से प्रदेश बढ़ते हैं, हाँ, तो उसकी रिवर्स प्रोसेस कुछ है कि जहाँ पर प्रदेश ज़्यादा खिर रहे हैं, प्रदेश ज़्यादा खिर रहे इसलिए खिर रहे हैं क्योंकि वहाँ अपकर्षण ज़्यादा हो रहा है, अपकर्षण ज़्यादा हो रहा है गुणित प्रमाण में, गुण श्रेणी में दे रहा है। गुण श्रेणी जब उदय में आ रही है तो वो निषेक कितने बड़े 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 होकर अभी उदय रूप हो रहे, क्योंकि असंख्यात गुणा वो उदीर्णा भी हो रही थी, असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा भी वहाँ शुरू हुई थी, अब ये सब निकल जा रहे हैं तो नेचुरली उसके प्रदेश उदय बढ़ेगा, और यही तो करना है। यहाँ जो क्षपणा करनी है यही इसी पद्धति से होनी है कि उसका अनुभाग मंद हो रहा है और प्रदेश अधिक खिर रहे। योग तो बंध में निमित्त है, उदय में कोई योग निमित्त नहीं है। उल्टा उल्टा कैसे होगा? जैसे बंद के समय योग होता है तो प्रदेश अधिक होता है, तो उदय यहाँ पर अधिक है तो योग क्या कम हो रहा है? नहीं, योग का और उदय का कोई सवाल ही नहीं है, योगों का और उदय का कोई सवाल नहीं। प्रदेश उदय में भी अयोग केवली को तो सबसे अधिक प्रदेश उदय है, अयोग केवली के अंतिम समय में इतना प्रदेश उदय है कि अभी तक के जो सभी
पूरे श्रेणी में नहीं हुआ था और सभी पूरे संयमी के मुनि जीवन में नहीं हुआ था, इतना प्रदेश उदय एक अंतिम समय में है, वहाँ तो योगी नहीं है। योग का और उदय का कुछ प्रश्न नहीं है। योग का संबंध परमाणु के बंधने में है, प्रदेश बंध में है, प्रदेश उदय योग से बिल्कुल कुछ रिलेटेड नहीं है। पूछना आपके ऐसा कोई प्रश्न है तो, उल्टा तो ये उदय क्यों हो रहा है, क्योंकि अपकर्षण हो रहा है, गुण श्रेणी हो रही, वो सारा उदय होकर निकल रहे हैं और अनुभाग मंद रूप होकर उसका उदय तो नहीं के बराबर है। हाँ, वो परमाणु वेद के है इसलिए उसका वेद का उदय कहेंगे हम, कार्य तो कुछ नहीं हो रहा है उसका वैसा, और मंद अनुभाग के कारण और कुछ नहीं हो रहा उसका। यही पूछा था आपने कि क्या योग कुछ कम या अधिक होते हैं, नहीं, योग तो अपने कारण कम अधिक होते हैं और उसका निमित्तपना तो बंधने वाले परमाणु में होता है, बंधने वाले परमाणु हीनाधिक होते रहते हैं क्योंकि योग हीनाधिक हो सकता है, उससे ये बंध में या उसके जीव के परिणामों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या विशुद्धि के कारण योग कम होता है या बढ़ता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हीनाधिक कैसे भी हो सकता है, उसका इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम जो यहाँ भी कृष्टि की बात देख रहे थे ना, हमने क्या देखा, अपूर्व स्पर्धक बने और उससे भी नीचे जो अनुभाग घट गया उससे संग्रह कृष्टि बनी। अब ये क्रोध के उदय से एक बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ, पेज नंबर 340 निकालना। नीचे से तीसरी लाइन, अभी तो हमने क्या देखा कि 12 संग्रह कृष्टि बनी, क्रोध की 3, मान की 3, माया की 3 और लोभ की 3। संज्वलन क्रोध के उदय सहित जो जीव श्रेणी चढ़ता है उसके तो चारों कषायों की 12 संग्रह कृष्टि होती है। एक एक संग्रह कृष्टि में हमने देखे अनंत अनंत अंतर कृष्टियाँ होती हैं। मान के उदय सहित श्रेणी चढ़ता है उसके क्रोध का पहले ही संक्रमण द्वारा क्षय होता है। देखो क्या विशेषता हुई, जो क्रोध से सहित जो चढ़ रहा है, अपगत वेद होने पर उसने अश्वकर्ण क्रिया की, अपूर्व स्पर्धक बनाए, फिर उसने कृष्टिकरण किया, बराबर, और बाद में वो कृष्टिकरण में सभी क्रोध मान माया लोभ सभी की 3-3 ऐसे 12 संग्रह कृष्टि की। मान के उदय से सही चढ़ने वाले ने क्या किया कि जो क्रोध है वो स्पर्धक रूप से उसने उसका क्षय कर दिया, वो सारे मान रूप हो जाएंगे, फिर मान रूप होकर फिर उसने वो अश्वकर्ण क्रिया किया, फिर उसने कृष्टिकरण किया और उसने मान की 3, माया की 3 और लोभ की 3 9 ही संग्रह कृष्टि बनाए। देखो यहाँ पढ़ेंगे, मान के उदय से ही श्रेणी चढ़ता है उसके क्रोध का पहले ही संक्रमण द्वारा क्षय होता है, पहले ने कृष्टिकरण करने के पहले ही, इसलिए अवशेष 3 कषायों की 9 संग्रह कृष्टि होती है। माया के उदय से चही चरोचरीन चढ़ने चढ़ता है श्रेणी उसका क्रोध और मान का पहले ही संक्रमण द्वारा क्षय होता है, पहले क्रोध का संक्रमण होता है फिर मान का माया में होता है, इसलिए 2 कषायों की 6 संग्रह कृष्टि होती है। लोभ के उदय से ही जो श्रेणी चढ़ता है उसका क्रोध मान माया का पहले ही संक्रमण द्वारा क्षय करता है, इसलिए एक लोभ की ही 3 संग्रह कृष्टि होती है। वहाँ जितनी संग्रह कृष्टि होती है उन्हीं में कृष्टि प्रमाण का विभाग यथा संभव जानना। अभी इसके डिटेल्स तो अभी हम नहीं, बाद में देखेंगे कि कौन से कषाय के उदय से सही चढ़ता है तो कौन सा प्रोसेस पहले होता है कौन से बाद होता है, अभी तो हमें इतना ही देखना है। ये जो कृष्टि बनी, हम तो क्रोध की बात करेंगे, कितनी कृष्टि बनाई संग्रह कृष्टि उसने, हाँ 12 क्रोध की 3, मान की 3, माया की 3 और लोभ की 3। अब प्रत्येक संग्रह कृष्टि में ये कृष्टि किसकी ज़्यादा बनी किसकी कम बनी, तो स्थूल रूप से सभी की समान बनी, फिर भी क्रोध में अभी परमाणु ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? नपुसक वेद पुरुष वेद रूप हुआ, स्त्री वेद पुरुष वेद रूप हुआ, हास्यादि 6 और पुरुष वेद क्रोध रूप हुआ है,
यानी सभी पुराणों कषाय का द्रव्य क्रोध में आया है। हम स्थूल रूप से पहले पूरे मोहिनी के द्रव्य का विभाजन करते हैं। मोहिनी का जितना द्रव्य है उसको हम एक भाग प्रमाण कहेंगे, उसका आधा नौकषाय में जाता है, आधा कषाय में जाता है। तो कषाय में आधा किस में डिवाइड होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी हरेक में आधे का चौथा भाग, यानी कितना हुआ? एक अष्टम। हाँ, ये गणित में होशियार है। हाँ, समझ में आता है ना? एक द्वितीयांश मल्टीप्लाइड बाय एक चतुर्थांश, एक अष्टमांश हुआ, बराबर नहीं? बराबर। तो हर एक के खाते में एक अष्टमांश आया, और आधा तो नौ कषाय में था। सब नौ के नौ नौ कषायों का संक्रमित होते 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 सब पूरा कितना है? आधा है। यहाँ हर एक के खाते में एक अष्टमांश आया था, एक अष्टमांश क्रोध में, एक अष्टमांश मान में, एक अष्टमांश माया में, एक अष्टमांश लोभ में, बराबर है ना? नहीं समझे? एक अष्टमांश मल्टीप्लाइड बाय चार, एक द्वितीयांश हो गया ना, एक द्वितीयांश चार में बढ़ गया, आधा है वो चार में बढ़ गया, यानी हर एक के खाते में आठवां भाग आया था, बराबर। यहाँ तक तो बराबर है ना? अब जो आधा हिस्सा नौ कषाय का था वो संक्रमित होते होते सारा का सारा क्रोध में आ गया। क्रोध में अपना कितना था? एक बटे आठ, एक अष्टमांश। तो एक बटे आठ प्लस एक बटे दो कितना होगा? बदले आप चार अष्टमांश करो ना, एक अष्टमांश प्लस चार अष्टमांश, क्योंकि चार अष्टमांश कहो या एक द्वितीयांश कहो एक ही बात है। तो एक अष्टमांश प्लस चार अष्टमांश कितने हुए? हाँ, पांच अष्टमांश हुए ना। यहाँ तक बात ख्याल में आई? अब हर एक की तीन तीन संग्रह पुष्टि हुई। एक अष्टमांश में तीसरा हिस्सा हुआ हर एक का, तो एक एक संग्रह पुष्टि में द्रव्य कितना हुआ? एक अष्टमांश डिवाइडेड बाय तीन, यानी एक चौबीसांश। तो एक चौबीसांश हर एक संग्रह पुष्टि में द्रव्य आया, और क्रोध का पांच अष्टमांश हुआ था। तो देखो, हम आपको ये विशेषात बताएंगे। कषाय, ये पेज नंबर 338, कषाय और नौ कषायों में स्थूल रूप से आधा आधा द्रव्य दिया था। अब जो कुछ हिना दिखे उसको हम नहीं गिनेंगे। नौ कषाय का द्रव्य आधा, कषाय का द्रव्य आधा। कषाय का द्रव्य चार कषायों में विभाजित करने पर प्रत्येक का द्रव्य एक द्वितीयांश डिवाइडेड बाय चार, तो वो करके दिखाए। यहाँ एक द्वितीयांश मल्टीप्लाइड बाय एक चतुर्थांश इज इक्वल टू एक अष्टमांश। ये एक अष्टमांश समझते हैं ना, एक बटे आठ। मराठी में उसको हम एक अष्टमांश कहते, गुजराती लोग क्या कहते हैं? और हिंदी में? हिंदी में एक बटे आठ। हाँ, एक बटे आठ। हाँ, अभी एक अष्टमांश समझ जाना जरा। हाँ, हर एक की तीन तीन संग्रह पुष्टि करने से वो एक बटे आठ यानी एक अष्टमांश डिवाइडेड बाय तीन यानी एक अष्टमांश मल्टीप्लाइड बाय एक तृतीयांश एक चौबीसांश प्रत्येक संग्रह पुष्टि का द्रव्य आता है। क्रोध के तृतीय संग्रह पुष्टि के एक चौबीसांश में नौ कषाय का एक द्वितीयांश द्रव्य मिलाने पर यानी एक बटे चौबीस प्लस एक बटे दो, उसी को हम उसका समान छेद करेंगे, चौबीस चौबीस छेद में लाएंगे, तो एक चौबीसांश प्लस बारह चौबीसांश इज इक्वल टू तेरह चौबीसांश हो जाता है। अन्य ग्यारह संग्रह पुष्टियों में प्रत्येक में एक चौबीसांश रहता है। इतनी बात ख्याल में आई क्या? नहीं? हाँ, राउंड अबाउट द्रव्य हर एक में कितना है वो है, यानी क्रोध में मैक्सिमम द्रव्य है। क्यों? सारा नौ कषाय का आधा द्रव्य क्रोध में आकर मिला है। फिर आगे क्रोध का मान में जाएगा, मान का मान में, और आगे चल कर जाए, अभी नहीं, अभी तो क्रोध में मैक्सिमम द्रव्य है, वो भी क्रोध की तीन संग्रह पुष्टि हुई है। अकेले क्रोध का द्रव्य हमने गिना था तो पाँच अष्टमांश आया था, अभी वो सब पूरे क्रोध में नहीं मिला ना। हर एक संग्रह पुष्टि का जो एक चौबीसांश द्रव्य था, समझे? देखो, क्रोध में एक अष्टमांश मिला था, उसमें से तीन बने पुष्टियाँ, तो एक चौबीसांश, एक चौबीसांश, एक चौबीसांश। अभी जो एक चौबीसांश था उसमें नौ कषाय का पूरा द्रव्य मिल गया,
अब मूल में 24 लेते हैं संख्या, तो आधे 12 नौकरशाह में गए, 12 हमें, हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, हम मूल में 24 पकड़ते हैं, मोहनी का टोटल द्रव्य 24 लेंगे, तो उसमें आधा है ना, 12 तो नौकरशाह में गया और 12 कषाय में आया, 12 में से क्रोध में कितने और लोभ में 3, और हर एक की 3-3 संग्रह पुष्टि हुई, यानी हर एक में एक एक भाग आया, और यहाँ नौकरशाह में कितना था, 12 भाग, वो 12 के 12 क्रोध की तृतीय संग्रह पुष्टि में गया, वहाँ उसका अपना एक हिस्सा था उसमें, और ये 12 मिले, 13 भाग उसके हुए, बाकी सबके एक एक भाग हुए, ख्याल में आई ना। हाँ, सारा एक ही संग्रह पुष्टि में जाएगा, पूरे क्रोध में नहीं जाएगा, उसका राउंड अबाउट रिवीजन इस तरह से हो जाती है। ये कौन से उद्देश्य हित क्या होता है वो तो हमने देखा था। हाँ, अब थोड़ा हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे ना। हाँ, आपको बहुत टेंशन आता है ना, तो और बढ़ाते हैं थोड़ा टेंशन। हाँ ना, हाँ ना, ये प्रश्न है, सादी मिथ्या दृष्टि सम्यक तो प्राप्त करने के लिए फिर से लब्धि पूर्वक प्राप्त करेगा या नहीं। सादी मिथ्या दृष्टि जो है उसका अर्थ क्या है, सादी यानी आदि सहित, प्रत्येक जीव तो अनादि से मिथ्या तो सहित था, तो ये सादी वाला कहाँ से आया, हाँ हाँ, जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है और वो छूटकर मिथ्यात्व में आया है, उसके मिथ्यात्व की शुरुआत हुई, उसको कोई शुरू का एक पॉइंट है, वहाँ से उसका मिथ्यात्व शुरू हुआ, उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि जीव। अब जो एक बार औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त किया, फिर वेदक हुआ या औक्षमिक में से नीचे आया, कोई भी जीव हो, तो एक अंतर्मूर्त में फिर दोबारा क्षोभम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, उसके लिए वो उपलब्धि की कंडीशन नहीं है, बस उसकी विशुद्धि एक अंतर्मूर्त में बढ़ गई और वो उसने सम्यक तो प्राप्त किया, यानी बिल्कुल अभी ऊपर के गुणस्थानों में से नीचे आया और झट से उसने प्राप्त किया, तो बिना करण के भी हो सकता है, या तो थोड़े काल में है तो उसके दो करण से भी उसको वेदक सम्यक तो हो सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जो एक बार औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया है, तो असंख्यात वर्षों तक उसके वो तीन जो प्रकृति है वो बनी रहती है, और जब तक अन्य दो प्रकृतियों की स्थिति बहुत बड़ी है तब तक तीनों को एक साथ उपशमा नहीं सकता, तब तक अगर उसको सम्यक तो होता है तो क्षोभम सम्यक तो ही होता है, उसको कहेंगे वेदक योग्य काल। वेदक योग्य काल में उसको जब कभी सम्यक तो होता है तो वेदक सम्यक तो ही होगा, औक्षमिक सम्यक तो नहीं होगा, तो एक बार औक्षमिक सम्यक तो छूट कर दोबारा औक्षमिक सम्यक तो कितने काल के बाद होता है, तो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण वर्ष के बाद होता है, बीच में उसको होगा तो वेदक सम्यक तो ही होगा, औक्षमिक नहीं होगा, यानी दो प्रथमोपशम के बीच कितना काल चला जाता है, असंख्यात वर्षों का चला जाता है, उसके पहले वो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल कंडीशन है उसकी। तो ये उसके लिए फिर से लब्धि करेगा कि नहीं करेगा, हाँ अभी इतने असंख्यात वर्षों के बाद उसको फिर दोबारा होना है, तो वहाँ तो भी 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक तो होगा, क्योंकि वो भी प्रथमोपशम रहेगा, एक बार प्रथमोपशम होकर छूटा है और असंख्यात वर्षों बाद दोबारा प्रथमोपशम करता है, तो वहाँ सभी 5 लब्धि होनी चाहिए, वो एक बार किया ना उसने, वो अभी नहीं चलेगा। आपका प्रश्न है, ये जो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व की प्रकृति है, क्या वो गल जाती है, गलने में तो एक समय में एक ही गलेगी, तो क्या होता है उसका, तो एक बार सम्यक तो छूटकर मिथ्यात्व में आता है, तो जैसे अभी हमने देखा था ना संक्रमण होते रहता है कांडकों में, वैसे इसका भी उल्टा संक्रमण, जिसको उद्वेलना कहते हैं, मिथ्यात्व में आने पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व रूप से संक्रमित होती है, उसको उद्वेलना नाम है, उद्वेलना संक्रमण कहते हैं उसको, और ऐसे असंख्यात वर्षों में वो
फिर से दोबारा पूरे के पूरे मिथ्यात्व रूप से हो जाती है। भले वो सादी मिथ्या दृष्टि है तब भी वो अनादि जैसे उसकी कंडीशन हो जाती है, उसके सत्ता में एक मिथ्यात्व रह जाता है। तो उसको भी पांचों ही लब्धि पूर्वक फिर दोबारा प्रथमोक्षम सम्यक्त्व ही होगा। क्षौक्षमिक के लिए पांच लब्धि की कंडीशन नहीं है। अब वो कितने काल बाद क्षौक्षमिक करता है उसमें यथायोग्य बाह्य निमित्त होगी वैसे, परंतु वो पांचों लब्धि जो बताई है वैसा वहाँ नहीं होता, क्योंकि क्षौक्षमिक सम्यक्त्व के लिए ऐसा भी दो करण से तो होता ही होता है। कभी कभी ये भी बात आती है कि स्थिति कांड घात किए बिना भी उसको सम्यक्त्व होता है, उसका अर्थ है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का किसी ने बंद किया है और अंतर्मूर्त के बाद विशुद्धि उसकी हुई है, सम्यक्त्व ने आत्मसन्मुख होकर वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है, क्षोभक्षम सम्यक्त्व। तो उसकी सत्ता में 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतर्मूर्त इतना मिथ्यात्व पड़ा है और उतने ही उसकी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बन जाती है, यह ऐसा कथन है शास्त्र में। सादी मिथ्यादृष्टि फिर से सारे प्रकृति बंद करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। सभी प्रकार का बंध जो मिथ्यात्व के योग्य है वो सभी प्रकार के बंध करेगा। ये दो तो हो गए। परिणाम प्रत्यय, भव प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय, यातील अंतर व परिभाषा। देखो, ये परिणाम प्रत्यय और भव प्रत्यय की बात हमने 11वें गुणस्थान में देखी थी कि वहाँ कुछ प्रकृतियाँ ऐसी है कि परिणाम प्रत्यय ने जीवों के जैसे विशुद्धि है, कोई प्रकृतियाँ ऐसी होती है कि विशुद्धि के अनुसार उनका अनुभाग उदय चेंज होता है, परंतु 11वें गुणस्थान में विशुद्धि समान है अंतर्मूर्त तक, इसलिए उन प्रकृतियों में उदय भी अनुभाग का उदय भी समान होगा क्योंकि परिणाम समान है। वहीं पर कितने ही प्रकृतियाँ ऐसी है, भव प्रत्यय कही थी, उसमें क्या होता है जीव के परिणाम के अनुसार उसमें अंतर नहीं पड़ता, फिर भी उसमें हीनाधिकता तो होती है, हाँ होती है, उसके जो अपनी योग्यता से जो है उस भव के, उसको भव प्रत्यय कहा है, उसमें जो षडगुणी हानि वृद्धि जो यथायोग्य होती रहती है वैसी उसमें होगी, जीव के परिणामों के कारण नहीं। ये द्रव्य प्रत्यय तो हमने उसको प्रत्यय शब्द बताने के लिए उसको याद किया था। द्रव्य प्रत्यय का अर्थ होता है बंध के हेतु में जो हम प्रत्यय कहते हैं उसमें जीवों के भाव निमित्त होते हैं वैसे कर्मों का उदय, उसको वहाँ द्रव्य प्रत्यय कहा था। भावों में क्या लेना है, मिथ्यात्व जो है उसका उदय है, अविरति के लिए कौन से कषायों का उदय है, उसको यहाँ द्रव्य प्रत्यय कहने में आया था। थ्यूक का संक्रमण मंजे का है, वो बहुत बार बताया ना, जो उदय रूप जो निषेक है वो सजातीय अन्य निषेक रूप अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आता है, उसको थ्यूक का संक्रमण कहते हैं। स्तिबक स्तिबुक उसी को कहते हैं, स्तिबुक कहो या थ्यूक कहो, थ्यूक का ये प्राकृत नाम है, स्तिबुक ये संस्कृत नाम है, मराठी में ठिबक कहो, ठिबक है ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाँ ड्रिप इरिगेशन। अव्याघात और व्याघात क्या है? व्याघात यानी जहाँ स्थिति कांडक घात होता है उसको व्याघात कहते हैं, घात होता है ना, और अव्याघात यानी स्थिति कांडक घात नहीं होता, सामान्य अपकर्षण होता है, निषेक बने रहते हैं, उसको कहेंगे अव्याघात। प्रवचनसार मधील द्रव्य पर्याय अर्थ पर्याय याची परिभाषा। प्रवचनसार में क्या परिभाषा बताई है, किसका प्रश्न है? हाँ, प्रवचनसार में क्या परिभाषा बताई, बोलो। अनेकामध्ये एकत्वाची प्रतीति, वो क्या है? द्रव्य और अर्थ पर्याय, कहाँ आया? देखो देखो, द्रव्य पर्याय किसको कहना है? अनेक द्रव्यों की मिली जुली जो पर्याय है उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, अपनी भाषा सिंपल भाषा में हम कहेंगे।
अनेक द्रव्यों की मिली जुली उसका अर्थ क्या है, कौन से अनेक द्रव्य इकट्ठे बन सकते हैं, हाँ जीव पुद्गल, तो जीव पुद्गल अनेक द्रव्य है तो, परंतु वो भी जाती है, उसको क्या कहेंगे, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, और पुद्गल पुद्गल का जो स्कंध होता है उसको कहेंगे समान जातीय द्रव्य पर्याय। ये हुआ द्रव्य पर्याय, अनेक द्रव्यों की एक रूप जो अवस्था में दिखाई देती है पाई जाती है। अब अर्थ पर्याय ने क्या, गुण पर्याय जो है, प्रत्येक गुण की जो पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, एक एक समय वाली जो है उसको अर्थ पर्याय कहेंगे। देशघाती करण मध्य प्रथम मनपर्य ज्ञानावरण दानांतराय सांगितले, व्यंजन पर्याय के, व्यंजन पर्याय वो अलग है, वो व्यंजन पर्याय कहेंगे, नहीं नहीं द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय नहीं कहते। द्रव्य पर्याय ने अनेक द्रव्यों की पर्याय और अर्थ पर्याय ने गुणों की पर्याय। शुद्ध ज्ञानावरण वो पांच क्रम मति ज्ञान ऐसा क्रम का ठेवला, किसी ने ये क्रम बनाया नहीं है, जो होता है उसका कथन होता है सहज रूप से। अब उसमें जो क्रम होता है, जैसे हमने प्रदेश बंध के प्रकरण में देखा था, जब यहाँ कर्मकांड का शिविर हुआ था, प्रदेशों का विभाजन कैसे होता है बंध के बाद, उसमें ज्ञानावरण में उल्टा क्रम था और अंतराय में उल्टा क्रम था, वैसे इसमें भी क्रम लिया होगा, पता नहीं होगा इन्हें, वैसे उसकी अपेक्षा बनती होगी शायद। जो होता है उसका कथन किया जाता है, क्रम का ठेवला इन्हें ऐसे किसी ने वो रचा नहीं है, क्रम किसी ने बनाया नहीं है। अब ये प्रश्न बराबर ख्याल में नहीं आया, फिर भी हम आपको सुनाते हैं। जीवाचा असंख्यात प्रदेशावर अनंतानंत कर्म परमाणु आहेत, समझते हैं मराठी भाषा सबको, जेव्हा प्रत्येक समयास कर्माचा उदय होतो तेव्हा जीव भावात कषाय अध्यवसाय स्थान एक समयवर्ती षडगुण हानी वृद्धी प्रमाणे असंख्यात लोक प्रमाण वेळा होतात। एका जीवमध्ये असंख्यात लोक प्रमाण वेळा कैसे होते, कन्फ्यूजन है पूछने वाले के मन में, त्यावेळी जीवाचा प्रदेशावर कर्माचे उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण आहेत। एक जीव के ऐट ए टाइम असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान कैसे हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। त्या कर्म परमाणूमध्ये अनंतानंत विभाग प्रतिच्छेद आहेत, त्यामध्ये जघन्यापासून उत्कृष्टपर्यंत हानिवृद्धि होतात, हानिवृद्धि नहीं होते, जघन्य से उत्कृष्ट तक अनुभाग पाया जाता है सत्ता में। हे वरील सर्व एका समयामध्ये असंख्यात लोक प्रमाण वेळा होतात काय, हा प्रश्न है, नहीं होता। पूछने वाले के मन में बहुत कन्फ्यूजन है, कोई भी बात पता नहीं क्या पूछना चाहते हैं, मगर ऐसे एक ही जीव की अपेक्षा नहीं होता, अनेक जीवों की अपेक्षा अलग अलग बातें हो सकती है। तो हमने ये बातें प्रश्नों के उत्तर अभी देखे, हाँ बिल्कुल पूछो, लिख के क्यों नहीं देखते, हाँ हाँ अभी याद आया। औक्षमिक नहीं, आपका प्रश्न है क्षौक्षमिक सम्य दृष्टि, उसके कौन से प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति का, वो दर्शन मोनी प्रकृति है। भले मिथ्यात्व का अनुभव कितना भी अनंत गुना घटा है, फिर भी है तो वो दर्शन मोनी की प्रकृति, उसके उदय सहित भले सम्यक्त्व में बाधा नहीं है, सम्यक्त्व तो बना रहता है, फिर भी उसमें केवल ज्ञान गम्य ऐसा कुछ दोष वहाँ पाया जाता है, जिसको चलमल अगाढ़ दोष कहते हैं। वो है तो केवल ज्ञान गम्य, फिर भी उसको स्थूल रूप से कथन करने में आता है, जैसे चलायमान होना वो चल दोष कहेंगे, जैसे जो सम्यक दृष्टि के जो निशंक आदि जो गुण बताए हैं उसमें से थोड़ा कमजोरपना, जैसे कोई वृद्ध है कमजोर हुआ बहुत बीमार है, चलता तो है लकड़ी के सहारे या थोड़ा ऐसा धृष्टता है, तो ऐसा ये तो बहुत स्थूल कथन है समझाने का, ऐसा कोई स्थूल वहाँ बातें होती ही नहीं है।
फिर से समझाने के लिए कोई ऐसा उदाहरण दे के समझाते हैं। उसमें भले उसने कोई मंदिर स्थापित किया तो उसके प्रति ये हमारा है ऐसा अपनापन रहेगा, परंतु ऐसी बुद्धि नहीं होगी कि जाके कुदेव आदि की श्रद्धा होगी, उसका सम्यक तो भंग नहीं होगा। सम्यक तो भंग हुए बिना जो कोई वहाँ माइनर उसका दोष होता है वो लग सकता है, इसलिए उसको चलमल अगार दोष कहा है। परंतु उसके अत्यंत निर्मल सम्यक्त्व नहीं है जैसे औपशमिक वाले के और क्षायिक वाले के, क्योंकि उनके कोई किसी दर्शन मुनि का उदय है ही नहीं है। सम्यक प्रकृति का उपशमित है और क्षायिक वाले के तो सत्ता में से नाश है, इसलिए उसी के साथ श्रेणी में तो विशुद्धि बहुत बढ़ती है तो वहाँ ये सम्यक प्रकृति का उदय भी मिट जाता है द्वितीय उपशम होकर, फिर श्रेणी चढ़ने का कार्य हो। देखो षड गुणी हानि और वृद्धि का अर्थ क्या होता है, पर्याय की शक्ति किस में हम नापते हैं तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, और ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं तो अनंत होते हैं। अनंत होकर भी उसमें एक इतने ही अविभाग प्रतिच्छेद प्रत्येक पर्याय में ऐसा नहीं होता, भले वो पर्याय हमें समान रूप से दिखाई दे रही है फिर भी उसमें थोड़ी हीनाधिकता होती है, और हीनाधिकता ऐसी नहीं होती कि वो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जावे। यानी उसमें जो षडगुणी हानि और वृद्धि का अर्थ क्या, कौन सी षडगुणी होती है, षडगुणी का अर्थ क्या है, ये उसको कहते हैं संख्यात भाग। अभी हम हानि की बात करेंगे, वही बात वृद्धि पर लेना है। संख्यात भाग अनंत, अच्छा अनंत भाग हानि या वृद्धि, असंख्यात भाग हानि या वृद्धि, हम वृद्धि की बात करेंगे आपको समझा। अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, फिर संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा और अनंत गुणा, ये छह स्थान हुआ, इसको कहेंगे षट्स्थान पतित हानि वृद्धि। वृद्धि में भी ये स्थान लगेंगे, हानि में भी ये, उसका अर्थ क्या होता है। अनंत भाग का अर्थ क्या है वृद्धि में, अनंत व भाग करके वो उसी में मिला देना, वो है अनंत भाग वृद्धि। जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे उसका अनंत का भाग करके वो ओरिजिनल में मिला देना, इतनी जहाँ वृद्धि होती है उसको कहेंगे अनंत भाग वृद्धि। अनंत व भाग बढ़कर वृद्धि हुई अविभाग प्रतिच्छेदों में। अनंत वा भाग बढ़कर हो सकती है, इसमें भी ले सकते हैं, या अलग अलग जीवों की कंपैरिजन में भी किसी के इतना है किसी के और ज़्यादा है किसी के और ज़्यादा है, जैसे ज्ञान मार्गणा के प्रकरण में सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड में ये समझाया कि इस मिनिमम पॉसिबल ज्ञान कौन सा है किसी जीव को, तो लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को, उसका नाम है पर्याय ज्ञान, वो मिनिमम पॉसिबल ज्ञान है। उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं तो कितने अनंत हैं, उसके ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सेकंड नंबर पर होगा उससे थोड़ा अधिक, एक अविभाग प्रतिच्छेद से कोई बढ़कर ज्ञान नहीं पाया जाएगा, तो दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, तो कहते इसका अनंत वा भाग उसमें मिला दो, ये दूसरे नंबर वाला ज्ञान होगा, उसका अनंत वा भाग उसी में मिला दो तीसरे नंबर पर, उसका अनंत वा भाग उसी में मिले चौथे नंबर पर, ऐसे जो अनंत भाग वृद्धि के स्थान चलते चलते ऐसे असंख्यात या अनंत स्थान जाते हैं, हाँ तब जाके असंख्यात भाग वृद्धि होगी। इस उच्चंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाते हैं तो जाके असंख्यात से भाग देकर जितनी वृद्धि होती उतनी एक बार होगी, उसको असंख्यात भाग वृद्धि। अभी उसके पूरे टेबल में नहीं जाएंगे, आप जीवकांड में पढ़ सकते उसको, तो किसको कहना, तो असंख्यात से भाग देकर जो वृद्धि होती उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, संख्यात का भाग देकर जो वृद्धि पाई जाएगी वो उसमें ऐड करके वो होगी संख्यात भाग वृद्धि। डायरेक्ट मान लेते जितने अनंत थे उसको चार गुणा दस गुणा संख्यात गुणा किया वो संख्यात गुणा वृद्धि हुई, जो असंख्यात में मल्टीप्लाई में हो जाती वो असंख्यात गुणा वृद्धि, और जो ओरिजिनल से अनंत गुणा होती वो अनंत गुणा वृद्धि। एक जीव के अलग अलग पर्याय में हो सकती है या अनेक जीवों की कंपैरिजन में हम बता सकते हैं।
ये होती है षट्स्थान पतित हानि वृद्धि। ये ऐसा जो एक जीव में, तो ये जो षट्स्थान पतित हानि वृद्धि, इसका जो गुण है अगुरु लघु गुण की, ये विशेषता है षट्स्थान पतित हानि वृद्धि। और ये तो जीव का स्वभाव बताया है, इसको स्वभाव अर्थ पर्याय में लिया है, ये जीव के स्वभाव अर्थ पर्याय में बात है, क्योंकि ये स्वभाव बात है। प्रत्येक गुण के प्रत्येक पर्याय में ऐसी सहज रूप से हानि वृद्धि होती रहती है, बस इतनी बात उसमें है। एक ही समय में ये तो है, तो केवल ज्ञान गम्य बात होती है। हाँ, होती है, एक ही समय में होती है, या प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ हानि वृद्धि होती है, ऐसा उसका अर्थ ले सकते हैं। क्योंकि एक समय में भी छह हानि वृद्धि कैसी होगी, ये भी प्रश्न होता है। तो एक एक पर्याय में एक एक हानि वृद्धि, ऐसा हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक द्रव्य के अनेक पर्याय में लगाना, अकेले ज्ञान गुण पर या केवल ज्ञान पर कैसे लगाएंगे? यह आता है एक समय में, परंतु उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ, अभी जो यथा योग्य होगा, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, वैसे वहाँ यथा योग्य होता रहता है। तो इसके बारे में तो इतनी बात, वो षड उसके बहुत सारी वो डिटेल्स है ना, वो तो जीव कांड में देखना आप। उसमें तो ज्ञान पर ही लगाया है, पर्याय पर्याय समास। हाँ, उसमें लगा के दिखाया है। हाँ, आगे तो बताया, अभी तो अपना समय होने को है ना, कि अभी नहीं, सवा नौ तक है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अभी टाइम है अपना। तो पूछना है कि आगे बढ़ना है विषय को, बढ़ाएंगे ना। हाँ चलो, हम तो अभी ये बात देखे थे कि प्रत्येक कषाय में तीन तीन संग्रह कृष्टि होती है, और एक एक संग्रह कृष्टि में अनंत अनंत अंतर कृष्टि बनती है। क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले के ही 12 संग्रह कृष्टि होती है। तो उसमें से संग्रह कृष्टि होती है, जब कृष्टि होती है यानी कृष्टि करने का कार्य होता है, तो लोभ में सबसे हीन अनुभाग हो जाता है और क्रोध में सर्वाधिक अनुभाग होता है। इसलिए संग्रह कृष्टियों को हम एक के ऊपर एक लिखेंगे, क्योंकि सबसे हीन वाली लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि, उसमें अनंत कृष्टियाँ, अनंत कृष्टि यानी अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनुभाग वाले। फिर दूसरी संग्रह कृष्टि, उसमें भी अनंत गुना अनुभाग वाले। उसके ऊपर तीसरी संग्रह कृष्टि, उसमें भी अनंत गुना अनुभाग वाली अनंत कृष्टियाँ पाई जाती है। उसके बाद माया के 3, फिर मान के 3, और सबके ऊपर क्रोध की 3 संग्रह कृष्टि होती है। यानी लोभ के जघन्य से लेकर क्रोध के उत्कृष्ट तक अनुभाग प्रतिकृष्टि अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना बढ़ता हुआ पाया जाता है। इतनी बात तो ख्याल में आई ना। ये कृष्टि करने के समय में इस तरह से कृष्टि की रचना हुई, इसके बाद क्या होगा? तो कृष्टियों का उदय होगा। तो पहले जघन्य का होगा कि उत्कृष्ट का होगा? किसका होगा? जघन्य का। और बाद में विशुद्धि बढ़ने पर उत्कृष्ट का होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ देखो, ये जरा आप कितने अनंत गुना है उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ। इसमें कुछ यानी याद में नहीं रखना है, केवल एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि अनंत गुना है, फिर एक संग्रह कृष्टि से दूसरी संग्रह कृष्टि भी बहुत बड़ी अनंत गुना है, इसका आपको एग्जाम्पल बताना है, और उसको संदृष्टि में हम देखेंगे। देखो पेज नंबर 345 निकालना। अब ये सब यहाँ पर अंक संदृष्टि से, यानी हम गुणकार जो है दो मानेंगे बेसिक। जघन्य कृष्टि किसकी है? लोभ की है कि क्रोध की है? लोभ की। सबसे नीचे की जघन्य कृष्टि लोभ की है, और उसमें भी 3-3 संग्रह कृष्टि बनी है। लोभ की 3, माया की 3, मान की 3, और क्रोध की 3। ये जो 345 पृष्ठ पर जो टेबल है, उसमें ऊपर लिखा है लोभ, माया, मान और क्रोध।
और लोभ के नीचे नीचे से ऊपर पढ़ना। नीचे प्रथम संग्रह कृष्टि लिखा है, फिर उसके ऊपर द्वितीय संग्रह कृष्टि, फिर ऊपर तृतीय संग्रह कृष्टि, उसके बाद फिर माया की पहली दूसरी तीसरी पढ़ना नीचे से ऊपर, फिर मान की नीचे से ऊपर पढ़ना, फिर लोभ क्रोध की नीचे से ऊपर पढ़ना। यहाँ क्या बताना चाहते, केवल अनंत गुणा गुणकार है उसको बताएंगे। तो सबसे यहाँ बीच में लिखा है, देखो नीचे जघन्य लिखा है, दिखा सबको मिला। लोभ के पहले संग्रह कृष्टि में सबसे नीचे जो लिखा है वो जघन्य है, वो जघन्य में जघन्य कृष्टि है। हर एक संग्रह कृष्टि में यहाँ तीन तीन संग्रह कृष्टि ली है, बराबर। तो उसमें जघन्य से दो गुना ऊपर की कृष्टि होगी, उससे चार गुना, यानी ये गुणकार भी अनंत गुना बढ़ रहा है, दो से दो गुना नहीं हो रहा है, एक से दूसरी दो गुना, दूसरी से तीसरी दो गुना, ऐसा नहीं, पहले से दूसरी दो गुना और दूसरे से तीसरी चार गुना और तीसरे से चौथी आठ गुना। पहले संग्रह कृष्टि में पहले से दूसरी दो गुना, दूसरे से तीसरी चार गुना, तीसरे से चौथी आठ गुना हुई। अब आगे देखते हैं, अब ये बीच में छोड़ देना, दूसरे संग्रह कृष्टि में चले जाना। वहाँ 16 तीन अंतराल है ना, इसलिए वहाँ का गुणकार केवल लिखा है। समझे अंतराल क्या होता है? हमने एक एक संग्रह कृष्टि में चार चार अंतरकृष्टि मानी, ओरिजिनल में तो अनंत होती है, चार में एक से दूसरे का गुणकार, यहाँ एक, ये दूसरा गुणकार, ये तीसरा गुणकार, पहली से दूसरी में कितने गुणा का डिफरेंस है, तो अनंत गुणा का, अनंत गुण दो का गुणकार लिया। तो यहाँ तीन गुणकार हुए ना, यहाँ एक और यहाँ एक, हर एक संग्रह कृष्टि में तीन तीन गुणकार पाए जाएंगे। गुणकार समझते हैं, जिस संख्या से गुणा करना है, क्योंकि अनंत गुणा अनंत गुणा की बात है, और ये गुणाकार भी अनंत गुणा बढ़ रहा है, यहाँ अनंत के बदले दो संख्या लेंगे। तो पहले चार संग्रह कृष्टि में तीन बार अनंत गुणा हुआ, यहाँ दो गुणा हुआ, यहाँ चार गुणा हुआ, यहाँ आठ गुणा हुआ। अभी ऊपर की तीन संग्रह कृष्टि में 16 गुणा हुआ, उससे 32 गुणा और उसके 64 गुणा। तीसरी संग्रह कृष्टि में चले जाना ऊपर, 128 गुणा, 256 गुणा, 512 गुणा, यहाँ तक मिला सबको। इसके बाद माया के पहले में नीचे आना, 512 को दो गुणा करके यहाँ का गुणकार होगा, 1024 गुना, 2048 गुना और 4096 गुना। फिर माया की दूसरे में आया, 8192, 16384 और 32768, उसको दो गुना करना है, वो कितना होता है, 65536, जिसको कहेंगे हम पन्नठी, और उसका शॉर्ट फॉर्म, उसकी संदृष्टि ऐसे 65 लिखकर आगे आदि, आदि की साइन है, यानी एक्सेट्रा, यानी 65 और ऑनवर्ड्स। कौन सा नंबर है ये, 65536, उसके बदले ये पन्नठी के साइन लिख दिए, यानी एक पन्नठी, उसको दो गुणा करेंगे तो दो पन्नठी। ये गुणकार का प्रमाण, ओरिजिनल में अनंत के बदले हमने दो लिया हाथ और उसको इतना बार बढ़ते गया, फिर चार पन्नठी हुए मान माया में। अब मान में आना नीचे, आठ बार पन्नठी, 16 बार पन्नठी, 32 बार पन्नठी, मान के दूसरे में 64 बार पन्नठी, 128 बार पन्नठी, 256 बार पन्नठी। मान के ऊपर चले जाना, 500 बार पन्नठी, 1024 बार पन्नठी, 2048 बार पन्नठी। क्रोध में आना, क्रोध के पहली संग्रह पृष्ठ में, वहाँ 4096 बार पन्नठी, 8192 बार पन्नठी, 16384 बार पन्नठी, 32738 बार पन्नठी, उसको दो गुना करो तो पन्नठी मल्टीप्लाइड बाय पन्नठी होगा, दैट इज इक्वल टू बादल। बादल को लिखते हैं 42 आदि, बादल संख्या 42 से शुरू होते हैं, इसलिए इसकी साइन बने। तो एक बार बादल, फिर दो बार बादल, ऊपर चार बार बादल, आठ बार बादल, 16 बार बादल। ये तो स्वस्थान ने प्रत्येक संग्रह पृष्ठ में अंतर अंतर में हमने चार चार ही मानी, उसके अंदर गुणकार कितना बढ़ गया। अब परस्थान गुणकार का अर्थ होता है एक संग्रह कृष्टि से दूसरे संग्रह कृष्टि में कितने गुना हो जाता है,
तो अंत में क्रोध के पहले में कितना देखा था, 16 बार बादल। अब वो नीचे आना परस्थान गुणकार में, लोक के पहले और दूसरे संग्रह कृष्टि के बीच में क्या लिखा है देखो, 32 बार बादल। जो क्रोध के अंत में लिखा है उसको दो गुणा करके यहाँ लिखा 32 बार बादल। उसके ऊपर लोक के दूसरे और तीसरे संग्रह कृष्टि में 64 बार बादल। फिर वहाँ आना नीचे लोक की तीसरी और माया की पहली में 128 बार बादल। उसके ऊपर माया की पहली और दूसरी में 256 बार बादल। उसके ऊपर माया की दूसरी और तीसरी में 512 बार बादल। अब माया और मान के बीच में 1024 बार बादल। मान की पहली दूसरी में 2048 बार बादल। मान की दूसरी और तीसरी में 4096 बार बादल। मान और क्रोध के बीच में 1192 बार बादल। क्रोध की पहली दूसरी में 8192 और क्रोध की पहली और दूसरी में 16384 बार बादल। उसके ऊपर 32768 बार बादल। अब उसके बाद ये तो ऊपर की संग्रह कृष्टि हुई, उससे ऊपर अपूर्व स्पर्धक में पहले कितने गुणा था कि उसके नीचे बनी थी ना ये सारे, अपूर्व स्पर्धक में से नीचे आकर ये बनी थी, तो वहाँ गुणकार का प्रमाण कितना रहा अनुभाग में, तो ऊपर जो 16 गुना बादल देखा था तो लोक के अपूर्व स्पर्धक की प्रथम अर्गणा का गुणकार ऊपर लिखा ना 32768 बार बादल था, 16 बार नहीं 32768, उसको दो गुना करेंगे तो पनट्ठी हो गई, तो बादल गुना पनट्ठी इतना वहाँ गुणकार होगा। जो ओरिजिनल में केवल दो लिखा था, ओरिजिनल में गुणकार अनंत है। अब वो यानी इन कृष्टियों में, और यहाँ तो हमने चार चार कृष्टि ली एक एक संग्रह कृष्टि में, यथार्थ में तो अनंत कृष्टियाँ होगी, तो कितनी बार अनंत का गुणकार होगा तो अनुभाग में कैसा कैसा होगा, यानी इतना हम अपूर्व स्पर्धक के नीचे इतनी बार अनंत बार होकर नीचे आए हैं तो इतना अनुभाग का घटना हुआ है, थोड़ा इमेजिन कर सकते। हमने केवल दो गुना का गुणकार देखा तो वो इतना बढ़ा है कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यथार्थ में दो के बदले अनंत को रखना, और अनंत को दो गुना नहीं करना है, अनंत को अनंत गुना करना है। तो ये तो केवल आपको थोड़ा सैंपल बताया कहाँ कहाँ के। तो आज नींद तो अच्छी आने वाली है। हाँ देखो देखो, हम अभी एक ही बात पढ़ेंगे, यहाँ 358 पेज है। एक कृष्टि करने का काल हुआ, पहले समय में इतनी कृष्टि हुई देखो हाँ, दूसरे समय में क्या होगा, जितनी 12 संग्रह कृष्टि बनी ना, तो पहले समय में अपूर्व स्पर्धक में से इतनी कृष्टि बनी 12 अलग अलग, तो सारे अपूर्व स्पर्धक नष्ट तो नहीं हुए एक समय में, दूसरे समय में और द्रव्य आएगा और अपने अपने संग्रह कृष्टि के बीच बीच में नीचे नीचे और अनंत गुना घटता, ऐसा अनुभाग वाली कृष्टियाँ और बनेगी, तीसरे समय में उसके और नीचे बनेगी, ऐसा अंतर्मुहूर्त तक होगा, तब जाके अपूर्व स्पर्धकों का पूरा द्रव्य कृष्टि रूप परिणमित होगा। अब ये 506 की टीका, 358 की अंतिम लाइन, कृष्टिकरण काल अंतर्मुहूर्त मात्र है, उसके अंत समय में अंतर्मुहूर्त अधिक 4 मास प्रमाण संज्वलन चतुष्क का स्थितिबंध है। अपूर्व स्पर्धक करण काल के अंत समय में 8 वर्ष मात्र था वगैरह वगैरह। यहाँ नीचे 508 की टीका में, तीन घाती कर्मों का संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व है, सत्व की बात है,
और तीन अघाती का कितना है? असंख्यात हजार वर्ष मात्र है। अब ये कृष्टि करने वाला उसका उदय कैसा है ये बात 360 पृष्ठ पर बताइए। 510 की टीका देखो, कृष्टि करने वाला उस काल में पूर्व स्पर्धकों के ही उदय को नियम से भोगता है। अभी कृष्टि का उदय यहाँ नहीं होगा। कृष्टि करने का कार्य कौन से परमाणु में हो रहा है? द्वितीय स्थिति में जो पड़े है उसमें पड़ा। पहले स्थिति में तो उसने क्रोध की रचना की थी अंतर करने के बाद, और उसका उदय चल रहा था, और वहाँ तो पहले तो पूर्व स्पर्धक रूप था, जब अपूर्व स्पर्धक बने तो अपूर्व स्पर्धक का भी उदय चल रहा है। इन्हें पूर्व और अपूर्व स्पर्धक रूप से उदय चल रहा है। जिस तरह अपूर्व स्पर्धक करने के काल से पूर्व स्पर्धक सहित अपूर्व स्पर्धकों को भोगता है उसका उदय होता है, उस तरह कृष्टि करते हुए कृष्टि को नहीं भोगता। ये कृष्टि करने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात कृष्टियों का उदय आने वाला है। अभी तो कृष्टि करने का कार्य चल रहा है। इस प्रकार संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में उच्चिष्टावली मात्र काल अवशेष रहने पर उस कृष्टिकरण काल का निष्ठापन करता है, यानी समाप्त करता है। उसके यानी अभी तक क्या था, प्रथम स्थिति किसकी बनाई थी? संज्वलन क्रोध की। तो क्या संज्वलन क्रोध नष्ट हो गया? नहीं, द्वितीय स्थिति में जो संज्वलन था वो सारा का सारा कृष्टि रूप परिणम आया है, और जब प्रथम स्थिति में जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से था उसकी उच्चिष्टावली बनी। अभी क्या होगा, जो कृष्टि की थी ना वो कृष्टि के परमाणु नीचे आएंगे और प्रथम स्थिति बनेगी और कृष्टियों का उदय चलेगा। पहले अभी वो तो बात हम कल देखेंगे कि पहली ऊपर की संग्रह कृष्टि आएगी जो अधिक अनुभाग वाली, फिर उसका क्या होगा, कैसे कैसे वो होती हो उसको देखेंगे, फिर दूसरे नंबर की कृष्टि, फिर तीसरे नंबर की कृष्टि ऊपर से, यानी अधिक अनुभाग वाली पहले आएगी, फिर दूसरे कम अनुभाग वाली, फिर उसके नीचे, फिर मान की तीन क्रम से, इस तरह से ये कार्य चलेगा। आगे कल करेंगे, अभी अपना समय। हाँ, लोभ का अनुभाग बहुत कम किया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसका अनुभाग ज़्यादा है उसका अनुभाग पहले होगा, जघन्य अनुभाग तो और विशुद्धि में होगा ना, अभी विशुद्धि इतनी नहीं है स्टार्टिंग में, इसलिए क्रोध का उदय अभी होगा। नहीं नहीं, अभी जो जितना हीन हुआ है अभी उसमें से उत्कृष्ट का उदय होगा, वो बात हम कल सुबह करेंगे विस्तार से, किसका उदय होगा और कैसा होगा। अभी तो हमारा यही पूर्ण होता है। बोलो 2400 भगवान की जय।